मकर संक्रांति के अवसर पर बांसुर निवासी जितेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता के जरिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किया सम्मानित करते हुए कहा कि छलावे का शिकार रहा है बांसुर, भ्रष्टाचार कर रहा है बोलबाला, योग्य नेतृत्व मिले तो राजस्थान में पहचान कायम कर सकता है बांसुर। हम आज एक ऐसे विषय पर बात करने को लेकर के एकत्र हुए हैं जिसमें जन सामान्य के मुद्दे हैं। जन सामान्य जिस तरह से प्रताड़ित है, परेशान है, उन सब विषयों पर मैं आपके माध्यम से, आपके सवालों के माध्यम से मैं कोशिश करूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लोग सत्ता का नशे में हैं, और किस तरह से बांसुर के लोग जिस अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में खुली सांस लेने की कल्पना करते हैं, उन लोगों को राहत मिले, उन लोगों की आंखें खुलें जो इस तरह के अत्याचार, इस तरह के अपने सत्ता के पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आम जन को पता चलना चाहिए। ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए जिन लोगों ने इस बांसुर को, जिन्होंने सामान्य से लोगों को बहुत बड़ा बनाया, जो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के जो परेशानियां हैं वो जन उजागर होनी चाहिए। मैं इसी परिप्रेक्ष्य से आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। विषय तो ये था कि आप सबसे मुलाकात हो जाएगी, आप सबसे बातचीत हो जाएगी, तो एक ही जगह पर आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। बांसुर के आपकी नजर में ज्वलंत मुद्दे क्या होंगे? बांसुर एक ऐसा शांति प्रिय, तरक्की प्रिय विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अगर कोई योग्य नेतृत्व हो तो ये बांसुर राजस्थान प्रदेश में बहुत अच्छे नंबर पे आ सकता है। बांसुर के युवाओं के साथ में जिस तरह का अभी हमारी वर्तमान विधायक और मंत्री राजस्थान सरकार में बहुत बड़े कैबिनेट पद पे हैं, उन्होंने जिस तरह से राजस्थान की जनता के साथ साथ बांसुर के लोगों को भी छला है, धोखा किया है, युवाओं के नाम पर फैक्ट्रियां लेके आएंगे, इसके बोर्ड भी लगे हैं, आपको ध्यान होगा, उन बोर्डों के लगने के बाद उनका बोर्डों का खर्चा भी शायद वसूल नहीं हुआ होगा, और अब्दुल रहमान एक्ट के कारण से वो जो फैक्ट्रियां या कलकारखाने हमारे बांसुर में आने थे उनके नाम पर जो अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम बनाया जिसमें किसानों के साथ में खड़ी फसल को रौंदा गया और खड़ी फसल को काटा गया और उनका विरोध करने वाले ग्रामीणों पे, उनके जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। तो ये बांसुर की जो हमारी विधायक हैं, मंत्री हैं, इन्होंने बांसुर को पीछे धकेलने का काम किया। पूरा बांसुर भ्रष्टाचार, अपराध और परेशानी से जूझ रहा है। अगर ऐसा कहीं मौका मिलता है, पार्टी नेतृत्व की तरफ से काम करने का अवसर मिलेगा, मैं कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहा हूं और मैं जन आवश्यकता के जितने भी मुद्दे हैं उन पर मैं प्रखरता से अपनी बात रखता हूं और रखता रहूंगा। मेरा केवल उद्देश्य जो सत्ता में है उनको, उनकी आंखें खोलना है, और जो सत्ता में नहीं है उनको अच्छे मजबूत विपक्ष के रूप में भी काम करना चाहिए, उसके लिए मैं तैयार। कांग्रेस पहले से ही कॉपीकेटिंग में मास्टर है, चाहे हमारा संविधान बनने से लेकर के और चाहे अभी केंद्र की योजनाओं को नाम बदल करके, इनका ये पुराना खेल है। हमारी पार्टी के जो योजनाएं थी उनका नाम बदल करके ये अब सरकार ये चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ प्रदेश में आई हैं, उनके अंदर केवल क्रेडिट नहीं चला जाए, इसके लिए बहुत सारी ऐसे हमारे योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हो, चाहे जल जीवन मिशन हो जिसमें बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, आप सबको जाहिर आपको पता है कि जिस तरह से यहाँ पे जल जीवन मिशन में अभी हमारे अलवर के सांसद ने ईडी को पत्र लिखा है कि जिस तरह से हल्की लाइनें डाली जा रही हैं, और जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार की जो निष्क्रियता है उसको लेकर के भी हम लोग पूरा जनआक्रोश यात्रा में बोले हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध बहुत चरम पर है, आए दिन गैंगवार, डकैतियां और बलात्कार हो रहे हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ हमने बहुत सारा प्रदर्शन किया है और जनता को हमने जाकर के 1-to-1 बताया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के लोगों ने बताया, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सचिन और गहलोत की लड़ाई चल जा रही है,
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, चुनावी फेस कौन होगा? 100% हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। ये ऊपर का मामला है, इस पर मेरा कोई ज्यादा मंतव्य, इस पे मैं, मेरा अधिकार नहीं है इस तरह की कोई बात रखने का। लेकिन हमारी पार्टी में जिसको भी हमारे नेता डिसाइड कर देंगे, कांग्रेस के अंदर देखिए कि इन्होंने 96 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसमें हमारी मंत्री भी थी, और फिर हमारे हम कोर्ट गए और ये वापस चुपचाप जाकर के वहां से इस्तीफा वापस ले आए। 3 महीने तक इन लोगों ने किस तरह से पूरे प्रदेश के संसाधनों का इस्तीफा देने के बाद दुरुपयोग किया, ये तो जनता जानती है, आपके माध्यम से जनता को पता चलना चाहिए। 34 दिन एक बार होटल में इन्होंने खूब मस्ती करी है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, और इनकी लड़ाई जग जाहिर है। एक गद्दार कहता है, एक निकम्मा कहता है, और एक व्यक्ति आपस में ये लड़ रहे हैं, ये तो जग जाहिर है, पूरी जनता जानती है। और हमारी पार्टी एकजुट है, हमारी पार्टी के अंदर सभी नेता एक हैं, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइज पार्टी है, जिसके अंदर में इस तरह की कोई टूट फूट नहीं है, और कांग्रेस की टूट फूट जग जाहिर है। इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि इस बार इनकी जो सरकार के जो मंत्री हैं वो तो सारे हारेंगे ही हारेंगे, और इनकी जो विधायक हैं वो एक बोलेरो में या एक छोटी गाड़ी में शिफ्ट होने वाले हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और इसी उद्देश्य से हमारा एक एक कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, और पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई पार्टी के द्वारा, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जन आक्रोश यात्रा में मिसकॉल किए, और इतनी ही तादाद में जन आक्रोश यात्रा को समर्थन मिला है। मैं जन आक्रोश यात्रा में एक विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ, इतना जन आक्रोश है कि अगर आज चुनाव कर दिए जाए तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकड़ी ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की हत्या हो रखी है, वहां आज तक चुनाव नहीं हुए हैं। टोडिया का बास का गजट में नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है कि वो गांव शामिल है कि नहीं है, और नगर पालिका को लेकर के बहुत दिनों तक यहां पे ये हुआ वो चलता रहा है, और ये चलता अभी भी शायद चल रहा है। वित्तीय स्वीकृति नहीं होने के कारण से भवन नहीं बना है, सामुदायिक भवन में नगर पालिका चल रही है, इतनी ताकतवर मंत्री होने के बाद में भी कोई सामुदायिक भवन का दुरुपयोग हो रहा है। अगर उस सामुदायिक भवन में गरीब लोगों के बच्चों की शादी होती, जो लाखों रुपए लग करके मैरिज गार्डन्स में उन बच्चों की शादी होती है, तो ये निकम्मापन है सरकार का और इनका, इन यहाँ के नेतृत्व का, मैं ये मानता हूँ। स्थानीय विधायक, मंत्री, SDM, BDO सबने कोविड के अंदर सरकार, केंद्र सरकार से आने वाले लाभों का जनता तक नहीं पहुंचे। आपको राज्य सरकार में काफी बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन खराब हुई, बहुत सारे रसद सामग्री, बहुत सारे किट्स, और यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह का इन्होंने नाटक किया मशीनरी दिखा करके, और जो भामाशाहों ने, व्यापारियों ने, और यहाँ पे जो सहयोग किया उसका आज तक किसी को हिसाब नहीं मिला। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो सरकार को मुख्यमंत्री कोष में यहाँ के भामाशाहों ने चेक दिए, उनका भी कोई आज तक स्पष्ट कहीं उद्देशिका या कोई उसका हिसाब किताब का विवरण SDM को देना चाहिए। और इस ये भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है बानसूर में, भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव हो रहा है जिसको लेकर के पूरी जनता त्रस्त। यहाँ पे एक मृत्युंजय मिश्रा जी करके DYSP थे, पूरे बानसूर ने उसका उबाल देखा, उनकी ट्रांसफर को कैंसिल करने का प्रयास किया। यहाँ पे केवल भ्रष्ट और भ्रष्ट अधिकारी चाहिए जो नेताओं की जेब भरे, और उनके ऊपर जो लगाम लगाने वाला अधिकारी था उसका ट्रांसफर हो गया। बहुत प्रयास किया हम सब लोगों ने, लेकिन वो ट्रांसफर सरकार होने के कारण से हम नहीं रोक पाए। हर व्यक्ति के अंदर अभिलाषाएं होती हैं, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अगर पार्टी के लेवल पर मुझे कहीं अवसर मिलेगा और मैं उसमें अपनी पराकाष्ठा की मेहनत करूंगा जनता में, और मेरे पार्टी के नेताओं को अगर लगेगा कहीं उचित तो मैं अपनी उचित बात भी रखूंगा, और पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए काम कर रहा हूं। हर कार्यकर्ता की अभिलाषा होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। अगर पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, मेरा 2018 में भी मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की और मुझे टिकट नहीं मिली, तो मैं पार्टी के आदेश को मैंने सिरोधार्य मानते हुए मैं पार्टी के साथ रहा, और मैं आगे भी इस तरह की अगर कोई मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं काम करूंगा पार्टी के लिए और करता रहूंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है, और पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ पर, एक एक वार्ड पर, एक एक पन्ना प्रमुख तक भी हमारी पार्टी में संगठन बहुत मजबूत है। और जो जन आक्रोश यात्रा बानसूर की थी वो मैं TV और Facebook माध्यम से देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त यात्रा रही है, और आज चुनाव करा के देख लीजिए, हमारे मंत्री जी को धूल चटा देगी हमारी भारतीय जनता पार्टी।
पदाधिकारी सब एकजुट हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय होगा हम उसके साथ काम करेंगे। मैं उसका एक एग्जांपल हूं, मुझे टिकट नहीं मिली, मैं पार्टी के जिस प्रत्याशी ने यहां चुनाव लड़ा हम उनके साथ रहा और हमने बहुत जबरदस्त टक्कर से चुनाव लड़ा। रोहतास जी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहां थे जो सब थानागाजी, उनका चुनाव ट्रांसफर हो गया था, वो वहां चले गए थे, हमने बहुत मजबूती से बीजेपी का चुनाव लड़ा और हम उस हमारे प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। प्रेस वार्ता में आप जो बांसुर की पिछले 4 साल में जिस तरह से बांसुर त्रस्त है, परेशान है, जिस तरह की सामान्य व्यक्तित्व को हमने विधायक जनता ने बनाया और मंत्री बने, उन्होंने 4 साल के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार और लूट खसोट मचाई है अपने बांसुर में, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आपके माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से और आपसे मुलाकात को लेकर के ये रखी हूँ। बांसुर में पैदा हुआ हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, मुझे पार्टी के किसी काम से अगर प्रदेश में कहीं जिम्मेदारी लगाई, मैं कोरोना के 2 साल के अंदर भी कोरोना की सेवाओं में उपस्थित रहा हूँ, जहाँ भी मेरा उपस्थिति रही है उस जगह मैंने अपनी जिम्मेदारी को, मैं जन सरोकार का व्यक्ति हूँ, राजनीति से मुझे किसी लाभ की अपेक्षा नहीं है, मैं सेवा के उद्देश्य से पिछले 15 साल से आपके बीच में, अब जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल जहाँ भी मैं उपस्थित रहूँ, क्षेत्र विशेष में अगर नहीं रह पाया, इसका कारण कोरोना रहा 2 साल और कुछ मेरे पार्टी से संबंधित जिम्मेदारियाँ रही। अभी मैं पिछली जनाक्रोश यात्रा में भी मुझे पार्टी ने विद्याधर नगर में विधानसभा प्रभारी लगा रखा था और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं शादी ब्याहों में और सब जगह आता जाता रहता हूँ और मैं इसके अंदर में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। किसी व्यक्ति विशेष के पास में अगर कोई राइट होंगे तो वो उनसे पूछें आप। मेरी मुझे लगता है कि ये निर्णय हाईकमान का है, संसदीय बोर्ड का है, प्रदेश नेतृत्व का है, हमारे जिलाध्यक्ष जी का है, तो वो सब अपने लेवल पे करें। पत्रकारों के भविष्य के बारे में कभी कोई योजना ही नहीं बनती, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो महज खाने पीने तक, हाई टी या लंच या डिनर तक सेट हो जाती है। कभी ये समझ में नहीं आता उनको कि एक पत्रकार जान जोखिम में डालकर सुबह निकलता है, शाम को पहुंचता है, एक गंतव्य आपकी प्रेस को कवर करने के लिए वो आदमी 500 रुपए का कम से कम खर्चा करके वहां आ रहा है। क्योंकि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी मैंने मीटिंगें देखी हैं, पूरे जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत ये सिस्टम डेवलप नहीं है। यदि ये सिस्टम डेवलप होता है तो ये सारे लोग जी जान से क्षेत्र की उन मुद्दों को चिन्हित करेंगे जिन मुद्दों के लिए आपको चुना जाएगा, लेकिन जब उसे कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो वापस लौट के क्या काम करेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय, सबसे जनसेवी सांसद हैं और उन्होंने बांसुर ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। उनके ध्यान में मेरे प्रयास से अगर ये आपका पत्रकार बंधुओं का ये विषय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा और उनको ये पता भी है। हमारी जो परंपरा है पत्रकार की वो निश्चित रूप से बहुत ही कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत कंटिका किरण मार्ग पर आपको चल करके अपने परिवार के सारे कामों को छोड़ करके आप जन सरोकार के विषयों को उठाते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए सरकार में प्रेस क्लब जैसी कोई व्यवस्था होगी तो उसके लिए हम निश्चित रूप से कोई प्रावधान बनेगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से पत्रकार बंधुओं के जीवन शैली से बहुत प्रभावित हूँ और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं, क्योंकि सच को सच लिखना एक अपने आप में बड़ा कष्टकारी कार्य है। तो आप निश्चित रूप से इस काम को करते रहिए, ये जरूर कोई उचित समय आएगा और मैं सांसद साहब को भी इसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा।